ढूंढो ढूंढो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है 29 अप्रैल एंड अहान स्कूल से आने वाला है। मैंने अहान का टेंट हाउस हटा दिया है एंड उसके सारे टॉयज मैंने बाहर निकाल कर एक जगह अरेंज कर दिया है। पहले अहान के साथ क्या था, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, टॉयज को निकालता था, फैला देता था। तो क्या होता था कि इंग्लिश लेटर है तो वो खो गए हैं, नंबर से तो वो नहीं मिल रहा है तो ढूंढते रहते थे। तो आज मैंने प्रॉपर अरेंज करके सब कुछ ब्लॉक्स को एंड नंबर्स को अल्फाबेट्स को सेट कर दिया है एंड अहान को मैं गाइडलाइन भी देने वाली हूँ कि तुम्हें कैसे खेलना है एंड कैसे रखना है अपने टॉयज को एंड अपने लेटर्स को जो भी उसके पास है। तो आई होप कि अहान को वो अच्छा लगे, कि अब ये सही टाइम है मैं अहान को सारे टॉयज इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ एंड वो मे बी पॉसिबल कि मेरी गाइडलाइन को फॉलो करे। तो अब अहान स्कूल से आने वाला है एंड मुझे उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है कि वो क्या रिएक्ट करता है, कि उसके सारे टॉयज फाइनली बाहर आ चुके हैं। मैंने जब अंदर रख दिए थे, पैक्ड थे, तो अब मुझे लगा मुझे निकाल देना चाहिए। तो आई होप समर वेकेशन भी आने वाली है तो वो अच्छे से इंजॉय करे, लर्न करे, प्ले करे एंड अपनी लाइफ इंजॉय करे, क्योंकि अभी कम बर्डन है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा बर्डन बढ़ता चला जाएगा एंड कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी वाला काम रहता है ना, बच्चे भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सिलेबस के बर्डन के नीचे दब जाता है। तो कोई नहीं, अभी अहान की एज है तो उसको वो सारे टॉयज मैंने दे दिए हैं कि जी लो अपनी जिंदगी। एंड एक दो टॉयज हैं जो मैंने अभी नहीं निकाले हैं, क्योंकि अगर मैंने वो निकाल दिया ना तो घर ना एकदम मिट्टी मिट्टी जैसा लगने लगेगा, क्योंकि एक्टिव सैंड है एंड बहुत सी चीज़ें हैं जिसे घर गंदा हो सकता है। तो मैं वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ, वो अभी मैंने रखे हुए हैं। तो जब थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा ना तब मैं निकाल के दूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपना डेली रूटीन मैनेज करती हूँ अहान के साथ, उसकी स्कूलिंग, उसका होमवर्क, प्लस मेरी क्लासेस, घर के काम। तो आज मैं आप लोगों को अपना क्लासरूम दिखाने वाली हूँ जो लाइक मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर का सबसे बेस्ट प्लेस मुझे वही लगता है, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो डेफिनेटली आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा ब्लॉग जरूर देखें, एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बेड पकड़ा दिया मैंने आपको, हाँ दिया। आपके लिए ना सरप्राइज है। अच्छा, आहान के लिए सरप्राइज है घर में। पता है कहाँ सरप्राइज है? रूम में। ढूंढो ढूंढो, आहान कैसा लग रहा है? अच्छा। हाँ अच्छा। मैंने आपके सारे टॉयज निकाल दिए, नीचे भी है, अभी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे खेलना है। ओके, तो आप फैलाओगे तो नहीं? आहान आहान, आप टॉयज को फैलाओगे तो नहीं? प्रॉमिस मम्मा। यहाँ पर आपके सारे टॉयज हैं। ओके, तो आप आराम से खेल। टेंट हाउस मैंने हटा दिया, टेंट हाउस मैंने हटा दिया, टेंट हाउस मैंने हटा दिया। आपको टेंट हाउस चाहिए? टेंट हाउस चाहिए? इधर आओ, इधर आओ, कम। टेंट हाउस हटा दिया, गंदा हो गया था, डर्टी हो गया था ना टेंट हाउस, इसलिए मैंने हटा दिया है। हाँ, अब यहाँ ओपन एरिया में खेलोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको टॉयज खेलना है और फिर आपको पैक करके रख देना है, ठीक है? अरे मम्मा आपको दिखाएगी सारे टॉयज आपके। टेन टेन टेन। तो ये है कर्टन, कर्टन के इधर है डाइनिंग टेबल, किचन, सामने रूम्स है एंड कर्टन के पीछे आ जाता है मेरा क्लासरूम जिसमें बहुत क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है। तो ये चेयर्स हैं जहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स बैठते हैं एंड मेरी क्लास स्टार्ट होती है 4 PM पर, जो शाम को 7:30 तक चलती है। इस रूम में सबसे सुंदर है हमारा मंदिर एंड मंदिर की सबसे खास बात ये है कि जब भी कोई यहाँ से एंट्रेंस लेता है तो मंदिर जस्ट सामने है, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि एंट्रेंस के जस्ट सामने मंदिर है। जब भी स्टूडेंट्स एंटर करते हैं तो सबसे पहले उन्हें दिखता है हमारा मंदिर एंड मैं मंदिर को आपको पास से दिखा देती हूँ। एंट्रेंस के पास में ही वॉल है, यहाँ पर मैंने कुछ सीनरी लगाई हुई है
एंड वो है मेरा वाइट बोर्ड जहाँ पर मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ एंड यहाँ से मैं पूरे क्लास पर अपनी नज़र रखती हूँ। एंड अब मैं दिखाती हूँ मेरे टीचर को, ये हमारे छोटे से टीचर हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये छोटे टीचर जी यहाँ पर बैठकर काजू खा रहे हैं, पढ़ाई तो होती नहीं है क्यों चेतान बच्चा। क्लासरूम का बेस्ट प्लेस है ये, जहाँ पर मैं बैठती भी हूँ एंड बच्चों को डांटती भी हूँ, पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ। जब एक्सप्लेन करना होता है तो मैं वहाँ पर होती हूँ, जब डांटना होता है, समझाना होता है तो मैं यहाँ पर होती हूँ। एंड सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट कुछ है यहाँ पर तो वो है ये फोटो फ्रेम जो हमने अभी ही क्लिक करवाया था। एंड आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल। तो ये अहान की हमारे साथ फोटो है जब अहान फर्स्ट डे अपने स्कूल गया था। हालांकि हम फर्स्ट डे क्लिक नहीं करा पाए थे, सेकंड डे क्लिक कराया था, लेकिन ये मेमोरी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। जब अहान बड़ा हो जाएगा तब उसे लगेगा कि वाह मैं ऐसा था जब मैं स्कूल गया था। तो यहाँ पर साइड में प्रिंटर रखा है प्लस ए डस्टर एंड मार्कर। ये जो नीचे टेबल है यहाँ पर मेरी सारी बुक्स, कॉपी, नोट्स बहुत कुछ रखा है एंड स्टेशनरी का भी सामान है। देन यहाँ पर टेबल पर मैंने भगवान जी रखे हुए हैं एंड कछुआ रखा है प्लस ये वॉच है जिसका जो भी चल नहीं रही है, कैलेंडर एंड हाइलाइटर और यहाँ पर पेंस, पेंसिल, जो भी लाइक स्टेशनरी मटेरियल होता है वो सब रखा हुआ है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड अपने काम को करने के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो टच वुड मुझे बहुत अच्छा लगता है जगह पर बैठना एंड आई होप कि इसे मैं इसी तरह से आगे बढ़ाती रहूं। एंड ये वो एरिया है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ एंड मैं एक बार आप लोगों को पूरा अपना क्लासरूम अच्छे से दिखा देती हूँ। ये एंटर करते ही मेरी चेयर, टेबल एंड स्टूडेंट की चेयर्स, मंदिर, एंट्रेंस गेट, वॉल, वाइट बोर्ड एंड ये रहा कंप्लीट लुक। हम आ चुके हैं आहान के सबसे फेवरेट कॉर्नर पर जहाँ पर आहान के सारे टॉयज रखे हुए हैं। एंड अब मैं आहान को बताने वाली हूँ कि आहान के पास कौन कौन से टॉयज हैं एंड आहान को कैसे यूज करने हैं उसे। सबसे पहले आपको ना ये बॉक्स उठाना है और किसके पास आना है? मम्मी के पास आना है और पूछना है कि मम्मा मैं ये खेल लूं? तो मम्मा बोलेगी हाँ आप खेल लो, तब आपको खेलना है, ठीक है? और कहाँ खेलना है आहान को? कहाँ? बेड पर। हाँ फिर हाँ, तो आपको ये खेलने के बाद बेड पर खेलना है एंड खेलने के बाद आपको इसको पैक कर देना है या आपको मम्मा से बोलना है मम्मा आप पैक कर दो, फिर हम इसको एज इट इज रख देंगे और हम आपको यहाँ फिर आपको इसको वहीं पर रखना है जहाँ से आपने उठाया है, ठीक है? तो आपको इसको फैलाना नहीं है वरना आपके टॉयज क्या हो जाएंगे? आपके टॉयज हो जाएंगे खराब, हो जाएंगे, खो जाएंगे, है ना? आहान को अच्छा नहीं लगेगा ना, आहान की टॉयज खराब हो जाए, नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा और जब तक न्यू टॉयज मिले, है ना शैतान बच्चा, ठीक है? तो ये आहान का लाइक इसमें मैंने रखा हुआ है आहान के लेटर्स, हिंदी वर्ड माला एंड ABCD। तो ये मैंने तीन सेट अलग अलग बना के रखे हुए हैं, हाँ नंबर 1, 2, 3, है ना? तो यहाँ पे तीन सेट आहान के मैंने बना के रख दिए हैं जिसमें ये है प्लस ये वो बॉक्सेज है जब हमने आहान के लिए दिवाली शॉपिंग की थी, तो आहान की कपड़े के बॉक्सेज जो मैंने नहीं फेंके थे और अब मेरे ये यूज में आ रहे हैं। तो कभी भी कोई भी चीज फेंकनी नहीं चाहिए, रख देनी चाहिए, कभी भी यूज में आ सकते हैं। प्लस ये आहान का पूरा क्रिएटिविटी मटेरियल है, लाइक इससे आहान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, टेबल, चेयर एंड जू भी क्रिएट कर सकता है जिसमें आहान एनिमल्स रख सकता है, क्योंकि आहान के पास पूरा एनिमल का कलेक्शन भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा क्रिएटिविटी मटेरियल है जिससे आहान बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। आहान रख दो बेटा, कल तो अभी नहीं खेलना है, ठीक है? देन अगेन ये थर्ड बॉक्स है जिसमें है एनिमल्स। क्या है आहान? एनिमल्स। तो
इसमें मैंने अहान के सारे एनिमल्स बर्ड्स रखे हुए हैं एंड अहान इनके साथ भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, लाइक एनिमल किंगडम बना सकता है एंड बहुत कुछ हो सकता है फनी वे में एंड इंटरेस्टिंग तरीके से। तो इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि इससे हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अहान को मैं कैसे लाइक समझा रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो अहान ये सारे बॉक्स, ये तीनों बॉक्स आपको बिना मम्मा की परमिशन के ओपन नहीं करना है। ओके करना है ओपन, फिर आप गंदे बच्चे कहलाओगे, क्या कहलाओगे, गंदे बच्चे। देन यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, प्लस ये अहान का पूरा स्टडी एरिया भी है, लाइक यहाँ पर अहान की बुक्स, प्लस ये पूरा डोम्स का सेट है जिसमें क्रेयॉन्स, स्केच पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब यहाँ पर है एंड बुक्स भी है जिससे अहान बहुत कुछ सीखता है। प्लस यहाँ का स्कूल बैग है जिसमें अहान के स्कूल बुक्स एंड कॉपी है। स्कूल जाते हो ना? हाँ, बहुत अच्छा बच्चा है। प्लस ये ब्लॉक का सेट है, ये ब्लॉक का सेट यूज करके अहान एनिमल किंगडम बना सकता है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। ये अहान को बर्थडे पर गिफ्ट में मिला था एंड ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी अहान के टॉयज हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन ये अहान के पास ब्लॉक का सेट, बहुत सारे ब्लॉक इसके अंदर है, ये हमने अहान के लिए खरीदा था। देन ये एक बॉक्स है, इसमें हमने अहान की फेवरेट कार एंड सॉफ्ट टॉयज वगैरह रखे हुए हैं। देन यहाँ पर अहान का टेबल टेनिस का रखा है सेट, टेबल टेनिस है एंड बॉटल एंड बॉटल्स, ये बॉटल्स एंड बॉल वाला सेट है जिसे अहान इसको आपको फ्लोर पे खेलना है, ठीक है। टेबल टेनिस एंड बॉटल बॉल वाला सेट जो है, हाँ तो इसको आपको फ्लोर पे खेलना है, इसको आपको बेड पर नहीं खेलना है, ठीक है। तो ये जितना भी सामान है ना, ये वाला यहाँ पे जो है ये आपको मम्मा से पूछना है। तो ये वाला जो है ना बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स है इसे आपको फ्लोर पर खेलना है, बाकी सारे बॉक्सेस को आपको बेड पर खेलना है एंड ये भी आप फ्लोर पर खेल सकते हो। इस बॉक्स में जितना भी सामान है आप फ्लोर पर खेल सकते हो, ठीक है। तो आपको सामान फैलाना नहीं है, ओके। अहान, अहान को सब समझ में आ गया है ना, ठीक है। अब अहान को नीनू आ रही है, मैं अहान को नहीं, नहीं, नहीं। हाँ नहीं, नहीं, नहीं। खेलना है अहान को। अहान को कैसा लगा? अच्छा लगा, मम्मा ने आपके लिए अच्छे से क्रिएट किया है ना। अब आप मम्मा की बात मानोगे ना? हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया मेरे बेटे को, है ना। और अहान का तो मंडे से यूनिट टेस्ट भी है ना, तो अहान ये बनाना सीखेगा। ये बनाना आता है अहान को? अब अहान को नीनू करा दे। नहीं नहीं नहीं, हाँ नीनू नहीं करना है, क्या करना है? खेलना है अहान को, अहान को नीनू नहीं करना है, अहान को गिली गिली करनी है, अहान को गिली गिली करनी है। कहता मम्मा कैसी बातें कर रहे हो, कल मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है। जिशुम जिशुम जिशुम, आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा आपको? मम्मा को किसे दे? इतना अच्छा लगा मम्मा पे किसे दे? मम्मा पे किसे दे? अब आप पढ़ाई करोगे ना, मम्मा की बात सुनोगे ना, पक्का ना ए लेटर बनाओगे ना, मंडे से आपका एग्जाम है ना, करोगे ना, मम्मा की बात मानोगे। अहान गुड बेबी है। अब अहान नीनू करेगा नहीं करना, नीनू खेली खेली करनी है, खेली खेली करनी है अहान को, नीनू नहीं करना है, ठीक है। खेल लो, कल छुट्टी है, कल तो पीटीएम में जाना है, कल मम्मा पापा का फर्स्ट पीटीएम है, कल पता चलेगा कि अहान कितनी शैतानी करता है स्कूल में, है ना, है ना। जो कोई चंदी जी एंड लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो मैं बिलीव करती हूँ कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो एंड अगर आप ऑनेस्ट हो अपने काम को लेकर के तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग एंड करती हूँ।